जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे बद्री सिंह माजरे रसूलपुर धावा गांव निवासी नीमया देवी डलमऊ कोतवाली तहरीर देते हुए बताया कि गांव में सोमवार को गांव के शोभालाल पुत्र का मुंडन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम नौटंकी कार्यक्रम देखने के लिए रसूलपुर नोटकी देखने गए थे। सड़क के किनारे बैठकर नोटकी देख रहे थे, तभी गाँव के सानु सिंह सत्यम के साथ ही वासी पटन ग्राम निवासी दीपू सिंह नौटंकी देख रहे, मेरे भाई सड़क के किनारे देख रहे, कह सुने होने के बाद ही इतने में सानू ने अवैध तमाम निकालते हुए भाई को गोली मार दी, घायल होकर जमीन पर गिर गया। तड़पते देखते हुए सूचना परिजनों ने द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, चिकित्सा के लिए मृत घोषित कर दिया गया है। कोतवाली प्रभावित लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया है कि तहरीर मिला है कि तीन लोगों के विरुद्ध हत्या मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर क्षेत्र अधिकारी विनीत सिंह तनाव देखते हुए पुलिस बल तैनात रही। आप देख सकते हैं प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए रेबरेली से सिद्धार्थ त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या मामला है, कैसे हुई है घटना? घटना हुई है सर, वो लड़का बैठा था और वो लोग आए थे, गोली भरा पिस्तौल में गोली भर के, और एक गोली अब बाहर को मारा, दो गोली उसके मारा। क्यों मारा, कुछ बात विवाद? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ना लड़ाई ना दंगा, कुछ नहीं सर। माया देव, क्या मामला था, कैसे हुई है घटना? बस इसे मेरा भाई ना नौटंकी देख रहा था, खड़ा था, और बगल से आया आदमी ने और बस गोली चलाना चालू कर दिया। कौन आया था? सानू सिंह और एक मंत्री सिंह, हाँ आया था, धोकल सिंह का प्रवा का, और एक दीपू नाम का लड़का था, एक साथ में और था लेकिन वो भाग गया, उसका नाम ही नहीं मुझे मालूम। कुछ बात विवाद हुआ था क्या? नहीं, बात विवाद कुछ नहीं था, ऐसे ही चला, ऐसे ही चल रहा था। तेज बहादुर सिंह और पप्पू सिंह प्रधान है आप जी? क्या मामला है, कैसे हुई है घटना? कुछ नहीं, ये वो जो लड़का जो मर्डर हुआ जिसका, वो उसके चाचा के लड़के का मुंडन था और उसी में नौटंकी थी, और नौटंकी के दौरान ही कुछ लोग शराब पी करके आए और उन लोगों ने जो है फायरिंग शुरू की, और उसी फायरिंग के दौरान उस लड़के के गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। कौन आया था फायरिंग करने? फायरिंग करने में सानू सिंह, सत्यम सिंह, दीपू सिंह, यही लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांसी के हैं, एक मेरे गांव का ही बद्दी सिंह के पुरवा का, एक धोकल सिंह के पुरवा का।